नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग ठीक हैं और वर्षा ऋतु का मजा ले रहे हैं? खूब उमस हो रही है और साथ में वर्षा भी हो रही है। आप लोग आज का जो अपना टॉपिक है वो यही रहेगा कि वर्षा एक ऋतु है और ऋतुएं कौन सी गति की वजह से बनती हैं। क्यों? शायद आप लोग जानते भी हैं कि जो ऋतुएं हैं वो कौन सी गति की वजह से बनती हैं। अब गति किसकी? पृथ्वी की। अपन तो पृथ्वी पे ही है ना, तो पृथ्वी की बात कर रहे हैं। और हम पृथ्वी पे जब बात कर रहे हैं तो वर्षा ऋतु और फिलहाल चल रही है, क्योंकि इससे पहले जो हमारा टॉपिक था दिन रात को लेकर, क्योंकि हमें क्या बात करनी थी, हमें समझना था पृथ्वी की गतियों को। और जब हमने इसको प्रारंभ किया, इस टॉपिक को, तो गतियां दो प्रकार की बताई गई पृथ्वी की, ये आप लोगों को पता है। और आप लोग उस टॉपिक को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें कई प्रश्न निकलते हैं, अच्छे से आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार समझ में नहीं आता, दो बार पढ़ लीजिए, फिर भी समझ में नहीं आता, तीसरी बार पढ़ लीजिए, और फिर अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, दोबारा पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों के बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि इन टॉपिकों को ऐसे ही सरल भाषा में अपन इसकी चर्चा करते हैं। कोशिश की जा रही है कि एक बार आप लोग जैसे सुने तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए। मैंने उसी प्रकार से इन टॉपिकों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो अब गर्मी भी है, वर्षा ऋतु भी है, चलिए तो इन्हीं चीजों को लेकर के अब हम दूसरी जो गति है, किसकी? पृथ्वी की। पृथ्वी की जो दूसरी गति है वो कौन सी है? परिक्रमण। इससे पहले कौन सी गति थी? घूर्णन। और घूर्णन को आपने अच्छी तरीके से पढ़ा, और आज हम पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है उसको लेकर के चर्चा करेंगे। अब उसमें परिक्रमण में होता क्या है, किसे कहते हैं आप परिक्रमण? तो हमने जैसे कल वाले टॉपिक में एक मंदिर बना करके और उसके चारों तरफ घूमने की बात की थी, हम परिक्रमा करते हैं नहीं करते हैं? परिक्रमा करते हैं, कई बार किसी मंदिर में जाते हैं तो। और कई बार आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि बरगद के चारों तरफ या पीपल के चारों तरफ जो महिलाएं हैं, जब कोई पूजन वूजन करती हैं तो वो परिक्रमा करती ही नहीं करती हैं, करती है ना, तो उस बरगद और पीपल को तो आप सूर्य मान लें, और वो जो परिक्रमा कर रही है वो पृथ्वी है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो सूर्य है, क्या जो सूर्य है उसके चारों तरफ जो पृथ्वी है, ठीक बन गया कि नहीं बन गया, तो इसको सही कर लेते हैं अपन, और कर लेंगे सही, ठीक है। तो उसके चारों तरफ जो ये पृथ्वी है ये क्या करती है? चक्कर लगाती है। किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर। कौन चक्कर लगाती है? पृथ्वी चक्कर लगाती है, घूमती है। जब ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, किसके? सूर्य के, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? परिक्रमण। क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार घूर्णन और परिक्रमण में फंस जाते हैं। तो फंसना नहीं है, उसी हिसाब से इन टॉपिकों को छोटा करके आराम से आप लोगों से बात करते हुए इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। क्यों? कि कई बार आ जाए कि कौन सी गति की वजह से दिन रात बनते हैं, तो कोई परिक्रमण कर दे, गतियां और भी दे दे, कोई परिक्रमण कर दे, कोई घूर्णन कर दे, और भैया दैनिक गति है, दैनिक गति घूर्णन गति, और घूर्णन की वजह से क्या होता है, दिन रात बनते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है आसानी से। इसके बाद में हम बात कर रहे थे परिक्रमण की, बात कर रहे हैं तो परिक्रमण की हमने अभी एक उदाहरण लेकर के, अच्छा सा उदाहरण तो सब जानते हैं,
अपने ही आसपास में इन चीजों को आप देखते हैं तो क्या कहते हैं कि कई बार जो स्त्रियां हैं व्रत रखती हैं, वो करती हैं उस इस प्रकार का जो धार्मिक अनुष्ठान करती हैं, तो पीपल और बरगद के चारों तरफ क्या कहती हैं, परिक्रमा करके आते हैं, क्या करते हैं, परिक्रमा। बस तो यही बात यह है कि सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी की गति है या जो घूम रही है या जो राउंड ले रही है उसको क्या कहते हैं, परिक्रमा। समझ गए इस चीज को, आगे चल लेते हैं। हाँ एक बात जरूर है, देखिए सब्सक्राइब आप करें आपकी मर्जी, लाइक करें आपकी मर्जी, नहीं भी करेंगे तो मैं कोई नाराज नहीं होने वाला हूं, लेकिन आप लोग इन कक्षाओं के साथ में बने रहिए, समय लग सकता है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल आसान भाषा में आप उन तथ्यों और उन बातों को समझें, ताकि आपके वो चीजें लंबे समय तक आपके दिमाग के साथ रहें और वो आपको काम आए। उसी तरीके से इन ये जो मैटर है इसको मैं तैयार कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। मेरा मंतव्य यही है कि आप लोगों को जितना समझ में आए, बाकी अगर इसमें आपको कोई चीजें ऐसी लगती हैं कि सर इसमें थोड़ा सा और इस प्रकार से करें तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो करने का मतलब वो ये कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आना चाहिए, याद रहना चाहिए। उसी प्रकार से अपन जो मेरा जो मन है वो सही दिशा में काम करेगा, क्योंकि अलग अलग तरीके होते हैं। तो बहुत, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं मैंने पॉइंट टू पॉइंट उन पे बात की है, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैटर देने का उसमें मैंने प्रयास किया था, और अब हम छोटी छोटी चीजों को आराम से समझ करके अगर उसमें चर्चा करेंगे आप और हम मिलकर के, तो अपने ज्यादा फायदा होगा। तो उसी दिशा में आपके लिए मैं काम कर रहा हूं, और आप लोगों का जो सहयोग है वो बहुत अच्छा मिलता है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये तो बात हो गई अपनी कि परिक्रमण समझ में आ गया, अब बात कर लेते हैं कि ये जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगा लेती है। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर 365 सही 1/4 दिन में चक्कर लगा देती है, जिसको क्या कहते हो आप लोग, एक वर्ष, क्या कहते हैं, एक वर्ष। ठीक है, ये तो हो गया डेटा। अब यहां हम जो लोग मानते हैं एक वर्ष में, हम जो लोग मानते हैं एक वर्ष में 365 दिन, अब 1/4, 1/4 का मतलब है यानी कि 6 घंटे, क्योंकि 24 घंटे, 24 घंटे का एक दिन। तो वही ये जो 6 घंटे बच गए, तो 6 + 6 + 6 + 6, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल। 4 साल जब हो जाएंगे, 4 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब क्या होगा कि 24 घंटे हो गए टोटल, जोड़ लो 6 6 12 18 24, तो कितना हो गया इसका, एक दिन हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, एक दिन हो गया क्या, देख लो आराम से, कोई मिस्टेक रहती तो अपन बात कर लेंगे, देख लो। तो 12 12 24 24 घंटे, एक दिन हो गया, कितने वर्ष, 4 वर्ष, कितने वर्ष, 4 वर्ष, 4 वर्ष में कितना दिन बढ़ता है, एक दिन बढ़ता है, तो ये वर्ष जाकर के कितना हो जाएगा, 366 दिन। तो जिस वर्ष की हम बात करते हैं कि ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, ऐसा वर्ष जिसमें कितने, 366। बात तो हम 365 से 1/4 की करते हैं, माना जाता है 365 दिन, एक वर्ष 12 महीने बोलते हैं, लेकिन जैसे ही 366 दिन होते हैं ऐसा वर्ष, ऐसे वर्ष को क्या कहा जाता है, बताइए जरा,
भी ऐसे वर्ष को क्या कहते हैं जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्या, लीप वर्ष। क्या कहा जाता है, लीप वर्ष। ध्यान रखिएगा, अब पूछ ले आपसे कि लीप वर्ष या 366 दिन को कहा जाता है, उसे उस वर्ष को क्या कहोगे, लीप वर्ष। या लीप वर्ष में दिन होते हैं, कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। अब चलिए ये बात तो ठीक हो गई। अब ऐसे वर्ष ना जिसमें चार का भाग चला जाता है वो लीप वर्ष। अब देखिए 24 आएगा तो 24 लीप वर्ष होगा फरवरी। अब ये बात आती है कि ये जो एक दिन है कौन सा है, ये जो बना एक दिन, ये कौन से माह में जोड़ा जाता है, ये जो एक दिन है ये कौन से माह में जोड़ा जाता है। तो भैया ये जोड़ते हैं फरवरी में। किसमें, फरवरी में। तो आपको ये पता है कि ये जब फरवरी में जुड़ता है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि फरवरी अमूमन 28 दिन की, यानी फरवरी माह कितना दिन का होता है, 28 दिन का। जब लीप वर्ष होगा तो तब क्या होगा, 29 दिन। क्या होगा, 29 दिन। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जो चौथा वर्ष होता है, प्रत्येक जो चौथा वर्ष होता है फरवरी माह, तो उसमें 28 के बदले कितने दिन होते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रत्येक जो चौथा वर्ष होता है तो उसमें फरवरी कितने की है भैया, तो 29 दिन की है। और वो क्या होता है जिसमें 29 दिन आते हैं जिस वर्ष में, फरवरी में, तो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष। क्यों, कि उसमें 366 दिन होते हैं। आएगा समझ में। अब देख लीजिए आप लोग, आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो बात थी अपनी परिक्रमण के साथ में, दिनों के साथ में, कि आप परिक्रमण किसे कहोगे, लीप वर्ष क्या होता है, कौन से माह में एक दिन बढ़ता है वो कौन से माह में जुड़ता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगते छोटे से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें कि कई बार प्रश्न छोटा सा होता है लेकिन अपने आप में बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं देते। जब ध्यान नहीं देते तभी वो बड़ा हो जाता है। अब क्या बड़ा हो जाता है, जैसे बात कर लें कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये आप लोग समझ गए। लेकिन अब ये आपसे ये पूछ ले कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो किस प्रकार का पथ होता है, तो कैसा होता है, ये दीर्घवृत्ताकार। कौन सा, किस प्रकार का पथ होता है, दीर्घवृत्ताकार। तो ये दीर्घवृत्ताकार पथ होता है। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रही, बिल्कुल वृत्ताकार नहीं है। देखो अपने जैसे बनाया है ना, एकदम वृत्त नहीं बनाया, ऐसे नहीं बनाया, एकदम से वृत्त नहीं बनाया, ठीक है। कोई पथ त्रिकोण नहीं बनाया है हमने, कोई चतुर्भुज नहीं बनाया है, ठीक है, वृत्त भी है लेकिन थोड़ा सा अंडाकार बनाते हुए हमने इसको बनाया था। तो इस प्रकार का जो पथ है, जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी है जो अपनी कक्षा में चक्कर लगा रही है, तो वो कौन सा है, दीर्घवृत्ताकार पथ। ध्यान रखिएगा, दीर्घवृत्ताकार पथ पूछ लिया जाता है, बहुत सिंपल सा लगता है लेकिन पूछ लिया जाता है, फिर अपन वहां कहते हैं इस लाइन पर ध्यान ही नहीं दिया। चलिए अब यहां तक अपन पहुंच गए। अब ये बात कर लेते हैं कि जैसे अभी ऋतु की मैंने स्टार्ट में बात की, ऋतु चल रही है ना, कौन सी, वर्षा ऋतु चल रही है, वर्षा का आनंद ले रहे हो। आज भी वर्षा हुई है लेकिन कुछ क्षेत्र में हुई है, कुछ क्षेत्र में नहीं हुई है, दोनों की साइड में तो इतनी नहीं हुई, चिड़ाव की साइड में हुई है, चिड़ाव मंडेला तक काफी बरसात हुई है, तो वर्षा ऋतु चल रही है, साथ में गर्मी भी लग रही है, मेरे भी मुंह पे पसीना आप लोगों को थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा होगा। तो ऐसा मौसम है, उमस भरा, कई बार हुमस बोलते, हुमस नहीं, उमस भरा, चिपचिपा मौसम, चिपचिपा मौसम बना हुआ है, नमी भी है, हीट भी है, बस इसी से उमस बन करके तैयार हो जाती है, फिर हवा नहीं चलती,
ठंड भी नहीं लगती, बहुत गर्म होता है, बहुत कष्टदायक होता है ऐसा मौसम, बाकी ऋतुएं होती हैं। तो अब हम ये कहें कि एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं, तो सामान्यतः जो बांटा गया है एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं, चार। कितनी? चार ऋतुएं होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं, देखो गर्मी होती है क्या? गर्मी तो भाई, इसके बाद में कौन सी है? गर्मी, फिर ये ठीक है मौसम, कौन सा? सर्दी का। सर्दी की ऋतु ठीक है, क्योंकि जब गर्मी की ऋतु आती है तो सबको सर्दी अच्छी लगती है, इस प्रकार का मौसम रहता है तो सर्दी अच्छी लगती है, जब सर्दी अधिक होती है तो गर्मी अच्छी लगती है, ये अपने इसमें रहता ही है, होता है ऐसा। तो सर्दी ऐसा होगी, गर्मी, सर्दी, वसंत, कौन सी? वसंत। और क्या रह गया? सर्द। इस प्रकार से ये देखो, ये जो टोटल आपको मीटर मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, ये जो टोटल मीटर आपको मिल रहा है, ये जो मीटर है पूरा NCERT बुक से हम बात कर रहे हैं, किसी और बुक से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये NCERT की बुक काफी महत्वपूर्ण होती है, उन्हीं में से इन तथ्यों पे अपन बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये सारा का सारा मीटर आपकी NCERT की बुक में है, और जो आपके सिलेबस में है, ये ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस में है प्री जो एग्जाम के वाले में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगते छोटे से आपको इस प्रकार से इन बातों को समझना है। अब ये हो गया आपके साथ में, लेकिन अब बात कर ले भैया, ये जो ऋतुएं बनी चार, ठीक है, तो अब आपसे पूछ ले क्यों बनी, कैसे बनी, तो इसके पीछे देखो क्या कारण है। सूर्य के चारों तरफ जब भी ये जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की जो स्थिति में, पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ये ऋतुएं बनती हैं। ये जैसे जैसे अपनी कक्षा में सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमण करती हुई निकलती है, चलती रहती है, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। किसकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है? पृथ्वी की स्थिति में। कभी उत्तरी गोलार्ध 6 महीने उसके सामने होता है, कभी दक्षिणी गोलार्ध उसके 6 महीने सामने होता है, तो ऐसे करके स्थितियों में परिवर्तन होता है, और जैसे जैसे ये परिवर्तन होता है वैसे वैसे ऋतुएं बनती चली जाती हैं। तो उसमें दिन रात में भी अंतर हो जाता है, और ये जो ऋतुएं बनती हैं तो इसमें तापमान का भी फर्क पड़ता है, और इन सभी को मिलाकर के तापमान मुख्य रहता है, और इन्हीं की वजह से ऋतुएं जो है वो बनती है। इसके बाद का जो अपना पॉइंट रहेगा तो उस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, उसमें उत्तर अयनांत क्या होता है, विषुव किसे कहते हैं, विषुव की स्थिति कब कब होती है, क्योंकि इस पे विषुव वाले पे प्रश्न आया हुआ है, इसलिए उस पे आप बढ़ते हैं आराम से उस पे चर्चा करेंगे, ताकि प्रत्येक टॉपिक आपकी समझ में आए। बाकी अपने साथियों से जरूर इस क्लास को शेयर करिएगा, और आपको आपकी इच्छा है वही बात हम कर रहे थे, सब्सक्राइबर आप करते हो ठीक है, कोई नहीं करते हो तो आप पढ़िए, हमारा तो उद्देश्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे फायदा उठाएं, और अगर आप फायदा उठा लोगे तो हमें पूरा फायदा मिल जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।